तो आप सबका स्वागत है आज एक हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम खेल रहे हैं 12954 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। तो ये रूट है अपना वेस्टर्न वे जो अमित राठौर जी ने बनाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया रूट और ये एक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया बनाई हुई मिस्टर ऋतिक मोदी जी ने। तो हमारे मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी बनाई है। तो चलो अब हमारे जाने में 1 मिनट का समय है तो जरा सूरत स्टेशन को देख लेते हैं। तो सूरत स्टेशन आप देख सकते हो अभी अभी सुबह हुई है और आज जो हमें लोकोमोटिव मिला है वो है वडोदरा 7 का WP7 लोकोमोटिव जिसका रोड नंबर है 30459 WP7 लोकोमोटिव। तो आज तो मज़ा ही आ जाएगा। पीछे देख लेते हैं ये रहा हमारा लास्ट का EOG और सूरत स्टेशन पे हम अभी करंट लोकेशन है हमारी और ये हमारी राजधानी एक्सप्रेस अगस्त क्रांति राजधानी। और आज जो ये कोचेज आप देख रहे हो ये है मिस्टर पंजाब पगड़ी वाला जी के कोचेज। तो वो भी सूरत से बिलोंग करते हैं पंजाब पगड़ी वाला जी। और ये कोचेज भी हमारी एक्ट भी सूरत से ही स्टार्ट हो रही है। तो चलो देखते हैं कितनी बिना देर रह गई है। चलो हमारे जाने का टाइम तो हो चुका है। पेंटोग्राफ तो हमने ऊपर किया ही नहीं। चलो पेंटोग्राफ ऊपर कर लेते हैं और चलते हैं सूरत स्टेशन से निकलते हैं। ब्रेक रिलीज़ कर लेते हैं थ्रॉटल को फॉरवर्ड पोजीशन में यानी कि रिवर्सर को फॉरवर्ड पोजीशन में डालते हैं। और चलो ये हमने एक्सलेशन दिया बहुत ही हार्ड एक्सलेशन हो गया। तो चलो कोई बात नहीं हमने हल्का हल्का ही डिपार्ट करना है। वैसे भी सिग्नल 1 किलोमीटर के बाद हमें रेड दिखाई दे रहा है और हमें ट्रैक मॉनिटर में इंडिकेट कर रहा है कि आगे जो कोई ट्रेन चल रही है उसे लूप लाइन पे लिया जा रहा है उतना जंक्शन पे। तो उतना जंक्शन पे कोई ट्रेन को लूप लाइन पे ले रहे हैं तो हमारे आगे आगे चल रही है कोई ट्रेन। तो अच्छा है जल्दी से उसे लूप लाइन पे ले लिया जाए। तो ये हम जा पागड़ी वाला जी के कोचिस सूरत स्टेशन को बाय बाय कहते हुए और हमारे हमजा जी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो सो रहे होगे सुबह सुबह का टाइम है 6 बजे है। फोन बजाते हैं सूरत स्टेशन से निकल रहे हैं और ये रहा हमारा सूरत स्टेशन का बोर्ड। आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया लग रहा है ये सूरत स्टेशन का बोर्ड। और आई थिंक आगे कोई ट्रेन चल रही है वो जो भी ट्रेन चल रही है वो डीजल लोकोमोटिव के साथ है। तो चलो आगे जाके हमें पता चल ही जाएगा कि कौन सी प्राइवेट ट्रेन है जो डीजल लोकोमोटिव के साथ चल रही है। तो यहाँ पे ये WP7 लोकोमोटिव 50 की स्पीड लिमिट है तो थोड़ा एक्सलेशन तो दिखाएगा ही। बाद में आगे जाके हमें 130 की स्पीड लिमिट मिल जाएगी जैसे ही हमारी पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म से थोड़ा आगे निकल जाएगी वैसे ही हमें 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट मिल जाएगी। तो अभी तो फिलहाल 50 की स्पीड लिमिट फॉलो करते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है हमें ओवर स्पीड करने का यहाँ पे। तो FPS 35 मेंटेन हो रहा है सूरत। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी सिटी और कितनी बढ़िया बनाई हुई है सिटी। तो ये हम जब पगड़ी वाला जी के बहुत ही बढ़िया कोचिस है। ज़रा इसके आप ट्रैक साउंड सुनो बहुत ही बढ़िया है। इसके ट्रैक साउंड भी बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं देखूँ कि क्या हाँ आपको साउंड तो सही आ रही होगी। आवाज़ तो मैंने पूरी भर के जितनी हो सकती है उतनी मैंने खोली है। मैं इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं ट्रैक साउंड या किसी खोल सकता क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको मेरी कमेंट्री की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो 1 किलोमीटर के बाद रेड सिग्नल है और सामने से WP4 के साथ पूरी अजमेर हमें क्रॉस दे रही है। तो कौन सी ट्रेन है ये? ये है पूरी अजमेर एक्सप्रेस विथ WP4 लोकोमोटिव। तो पूरी अजमेर एक्सप्रेस एंटर कर रही है सूरत स्टेशन पे। इतनी कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं है इसकी पर अब हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आगे जो ट्रेन चल रही है वो लूप लाइन पे जाने के वही है। तो क्यों ना हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दें।
और ये सूढ़ा स्टेशन को हम बाय बाय कहते हुए, तो आपको ट्रैक साउंड तो बहुत ही बढ़िया आज सुनने को मिलेंगे। और ये जो आप कोचेस देख रहे हो, ये हमजा पगड़ी वाला जी के प्रीमियर कोचेस हैं, तो आप अगर चाहो तो इनसे खरीद सकते हो। तो आगे जो भी ट्रेन चल रही थी उसे लूप लाइन पे पूरा ले लिया गया है। तो चल के देखते हैं कि कौन सी ट्रेन आगे चल रही थी जिसे लूप लाइन पे अभी अभी लिया गया है, उधना जंक्शन पे। तो अब तो हमारी ट्रेन भागेगी और देखते हैं हम उधना जंक्शन को कितनी स्पीड में स्किप कर पाते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा वलसाड़, जो यहाँ से 70.8 किलोमीटर लेफ्ट है और 6:47 पर हमें पहुँचना है। 6:47 को हमें पहुँचना है। तो 100% मैंने थ्रॉटल कर दिया है और हमारी ट्रेन थोड़ा सा क्लाइम भी कर रही है। तो चलो कोई बात नहीं, 100% थ्रॉटल अभी रहने देते हैं जब तक हमारी स्पीड 130 के करीब नहीं हो जाती। और ये WF7 को तो इसका एक्सीलरेशन बहुत ही गजब का है, ये WF7 लोकोमोटिव का। और पास्ट मंथ में ट्रेन आई थिंक अभी तो नहीं आ रही, तो थोड़ी देर में आई थिंक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाजू में कोई ट्रेन आ रही है। तो कोई फ्लाइट ट्रेन थी, आप देख सकते हो कि कोई फ्लाइट ट्रेन थी जो लूप लाइन पे गई और हम उसे उधना जंक्शन पे ओवरटेक कर रहे हैं। देखते हैं कौन सी ट्रेन बॉक्सन एचल है। बॉक्सन एचल फ्लाइट ट्रेन है और देखते हैं एल्को लोकोमोटिव के साथ, ड्यूल एल्को लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन बॉक्सन एचल फ्लाइट ट्रेन उधना जंक्शन पे इस तरफ आ जाते हैं। और देखते हैं कौन सी ट्रेन अब हमें अप्रोच करेगी। तो थ्रॉटल पावर को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। कंट्रोल में तो है ही हमारे, पर कम कर देते हैं ताकि जो हमारी स्पीड है वो कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अभी हम मेंटेन कर रहे हैं और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है। हावड़ा पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाइवर्ट की गई हुई ये ट्रेन, तो डाइवर्टेड हावड़ा पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमें क्रॉस कर रही है। तो कहाँ डाइवर्ट की है पता नहीं, कहाँ से डाइवर्ट होके आई है, आई थिंक इस तरफ से आई है, तो मुंबई तरफ से ही आई होगी, यानी कि पंजाब तरफ से। नहीं तो ये सीधी उधना जंक्शन पे ही आती है, लंबी बार तरफ से हावड़ा पोरबंदर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया स्पीड में भी हमारी ट्रेन ने मेंटेन करी है। तो चलो थोड़ा स्पीड मॉडल पार होने के लिए 132 पार के करीब हमारी स्पीड मेंटेन हो जाए। और 132 पार के मॉडल पार और भी अच्छी स्पीड होगी अगर हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 160 स्टेशन यहाँ से 5.7 किलोमीटर गैप है और 6:45 47 मिनट पर हमें वलसाड़ स्टेशन पर पहुँचना है। यहाँ पर हमारा 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा, 6:49 में हम निकल जाएंगे वलसाड़ स्टेशन से। और दूसरी एक बात कि मैंने जो मेवाड़ रूट है जो मिस्टर रमेश महाजन जी ने अभी अभी रिलीज किया है वो भी मैंने परचेस कर लिया है और डाउनलोड भी कर लिया है, और अब सिर्फ इंस्टॉल करना उसे बाकी है। तो थोड़े दिनों में आपको उसकी भी मिल जाएगी आने वाले दिनों में। अभी तो मैं फ़िलहाल जो वो एक्टिविटी चालू की है उसको ख़त्म करूँगा, WG9। तो बहुत ही बढ़िया स्पीड में ये बुलेट ट्रेन हमें क्रॉस दे रही है। तो कौन सा स्टेशन देखते हैं, तो पता नहीं ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है। टेस्टा स्टेशन है जो हमने अभी अभी स्किप मारा। तो आपको क्या है कि आने वाले दिनों में
अब आपको मेवाड़ रूट की भी वीडियो मिलती रहेगी, यानी कि मिल जाएगी मेवाड़ रूट की वीडियो, और मैंने परचेस कर लिया है। पर पहले ये मैं जो दो एक्टिविटी नई चालू की है उसको ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं कोई नई एक्टिविटी खेलूँगा। एक तो जो तपती गंगा एक्सप्रेस की वीडियो है वो भी आएगी, और इसकी भी वीडियो आएगी, आपको मिलती रहेगी। कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर लोग बोल रहे थे कि आप एक साथ दो वीडियो बनाओ, यानी कि दो एक्ट की वीडियो बनाओ, पहले एक पहली एक्ट की एक पार्ट डालो, फिर दूसरी एक्ट खेलो उसका एक पार्ट डालो। तो अब से ऐसा रहेगा, कोई भी दो एक्ट में रखूँगा साथ में, तो आपको वो दोनों एक्ट की वीडियो पार्ट में मिलती रहेगी, और इसकी भी पूरी जर्नी आएगी मुंबई सेंट्रल तक। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर ही आपको करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है। और दूसरी बात, वीडियो को तो अभी के अभी लाइक कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला बढ़ सके मेरा। आधे घंटे के कुछ ऊपर है वलसाड़ पहुँचने के लिए, तो आधे घंटे में हम वलसाड़ होंगे। अगर अच्छी स्पीड में, यही स्पीड में हम चलते हैं तो भी आराम से पहुँच जाएंगे वलसाड़, और आगे भी सचिन स्टेशन पहुँच के मारेंगे। तो बहुत बढ़िया मिस्टर के रोड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाया हुआ है मिस्टर राठौर जी ने। सचिन स्टेशन और एक्टिविटी है तो मैंने मैसेज भी किया था कि बॉलीवुड एक्टिविटी है, उन्होंने भी अच्छे से रिप्लाई किया। तो बॉलीवुड एक्टिविटी है मिस्टर एक्टिविटी खेलता हूँ, जो भी मुझे मिल जाती है वो जरूर मैं ट्राई करता हूँ। गेम को सेव कर लेते हैं, कहीं क्रैश क्रैश ना हो जाए, क्रैश हो गए तो भाई तो लगता लग जाए, इसलिए टाइम टू टाइम हम गेम को सेव करते रहेंगे। तो ये लास्ट का हमारा यूजी कोच कैसे भाग रहा है आप देख सकते हो। तो सॉरी थोड़ी खांसी हो गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ये बीच पे क्या, ये हमारे एक्चुअली रूट की गलती नहीं है, ये हमारे ओपन रेल्स की गलती है। जो कुछ भी उठा के साइड पे से बीच ट्रैक पे डाल दिया, तो ये हमारे ओपन रेल्स का ग्लिच है, ऐसे कोई गलती नहीं है रूट मेकर की। इसको राजधानी एक्सप्रेस चला रहे हैं, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस जो अजय तुजामुद्दीन से चल कर मुंबई को जाती है, और ये ऊपर फैन तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। आप देख सकते हो कि कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। तो हमारे इंदिरा जी है, उन्होंने बहुत बढ़िया कोचेस बनाए हैं, और से भी है ट्रांसमिशन लेवल तो मैंने ऑन भी नहीं किया था, ट्रांसमिशन लेवल फिगर तो मज़ा ही नहीं आता। वन हंड्रेड एंड 23.9 किलोमीटर, नहीं 123.9
फोर की हमने अभी स्पीड मेंटेन कर रखी है और 52.1 किलोमीटर लेफ्ट है यहाँ से वलसाड़ जंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मुझे ट्रेन का सिग्नल किया है तो कोई स्टेशन आई थी आने वाला, उसके बाद देखते हैं कि मुझे ट्रेन का सिग्नल क्या है, उसका क्या है चेक करते हैं। पहले देखते ये कौन सा स्टेशन है जिससे हम अप्रोच कर रहे हैं। तो प्री मरोली स्टेशन के बाद हम टाइम टेबल पर भी नज़र डाल देते हैं। मरोली स्टेशन है जिसे हम स्कीप मार रहे हैं। मरोली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर से जिससे हम हमारी ट्रेन को निकाला जा रहा है उसी यहाँ पर स्कीप मार रही है। तो बहुत ही बड़ा स्पीड अभी तो हमने मेंटेन की है हुई है और मुझे सिग्नल रेड है। तो फिलहाल अभी तो आई थिंक कोई ट्रेन आने वाली नहीं होगी और आने वाली होगी तो भी उसका मरोली स्टेशन पे स्टॉपेज होगा। अब ये मरोली स्टेशन को तो हमने देख लिया, बहुत ही खतरनाक वाली स्पीड में हमने स्किप मार दिया ये मरोली स्टेशन को। खतरनाक लगते हैं ये कोचिस, बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पर थोड़ा टाइम टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। सुबह पे हम पहुँचे थे 6 बजे और 6:05 पे हमने डिपार्चर लिया था और वलसाड़ हमने पहुँचना है 6:47 को और सामने से कोई ट्रेन आ रही है। पहले उसे देखते हैं कौन सी ट्रेन है। अभी थे वीरमगाम वलसाड़ पैसेंजर, यानी कि वलसाड़ वीरमगाम पैसेंजर विथ WP7 लोकोमोटिव। तो कोई पैसेंजर ट्रेन ने हमें क्रॉस दिया है। मैंने बोला ना कि जो भी ट्रेन मरोली आ रही होगी उसका वहाँ पे स्टॉपेज होगा, तो ये पैसेंजर ट्रेन थी तो उसकी वजह से इसे मरोली स्टेशन पे रुकना होगा, तो इसीलिए इसको रेड सिग्नल दिया हुआ होगा मरोली स्टेशन पे वलसाड़ वीरमगाम पैसेंजर को। और पीछे और भी कोई ट्रेन आ रही है तो सिर्फ ये क्या है कि यही एक प्रॉब्लम है वेस्टर्न वे में कि जब भी लेवल क्रॉसिंग आती है तो ये जो ट्रैफिक होता है जो रोड पे चल रहा होता है वो लेवल क्रॉसिंग तोड़ के हमारे ट्रेन को तोड़ के निकल जाता है आगे। तो यही एक प्रॉब्लम है लेवल क्रॉसिंग का कि एक नंबर रूट है। अगर आप जाओ तो www.trainsim.com पे और सामने से कोई ट्रेन भी हमें अप्रोच कर रही है तो देखते हैं पहले कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच कर रही है, उसके बाद फिर से हम अपने टाइम टेबल पर नज़र डालते हैं। डीजल लोकोमोटिव के साथ कोई ट्रेन लग रही है मुझे, आई थिंक वलसाड़ वीरमगाम ट्रैक ट्रेन ओवरटेक नहीं कर सकती। कंटेनर विथ EMD लोकोमोटिव कॉन्कॉर विथ EMD लोकोमोटिव एक तो ये ग्लास वाला भी मिस्टर मीरा बागई वाला जी फिक्स कर दे कि आप ग्लास देख रहे हो तो ये भी फिक्स कर दे तो अच्छी बात है। तो जब भी हम नेक्स्ट एक्टिविटी खेलें तो मज़ा आ जाएगा खेलने में। ये कमी रह गई है तो उनसे मैसेज भी किया, देखते हैं कब तक वो रिप्लाई कर पाते हैं। देखिए 60 अब डालते हैं अपने टाइम टेबल पर नज़र। तो वलसाड़ हमें 6:47 पे पहुँचना है और 6:49 पे 2 मिनट का हॉल्ट लेके वलसाड़ से निकल जाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वहाँ भी 7:06 पे हमें पहुँचना है और 7:08 से वहाँ से निकल जाना है। उसके बाद वापस सीधा हमारा जो टॉपिक होगा वो गोरी वाली रहेगा। यहाँ पे हमें 8:56 में पहुँचना है और 8:56 पे निकल जा रहा है। अंधेरी 9:10 पे पहुँचना है, वहाँ पे हमारा 2 मिनट का स्टॉपिंग होगा अंधेरी पे और 9:12 को निकल जाएंगे हम अंधेरी स्टेशन से। उसके बाद हम सीधे मुंबई सेंट्रल को पहुँचेंगे 9:45 को, तो वहाँ पे हमारी एक्टिविटी एंड हो जाएगी 9:45। तो तकरीबन 3-4 घंटे तक की एक्टिविटी है ये, तो बहुत ही लंबी एक्टिविटी 1 घंटे के करीब। तो आई थिंक 7-8 पार्ट 2 आने ही वाले हैं ये एक्टिविटी के।
को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, जिसने भी नहीं किया है वो, क्योंकि मैं आगे जब भी वीडियो डाल आपको मोटिवेशन मिल गया और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो ये माइक को क्या हुआ है, पता नहीं, पहले अच्छा साउंड कर रहा था, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। तो आई होप अब आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। और नवसारी स्टेशन को हम स्किप मारे हैं खतरनाक स्पीड में। तो आप देख सकते हो कि हमारी ट्रेन नवसारी स्टेशन को स्किप मार रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा चटिंग करूँ या ना करूँ, चलो देख लेते हैं ये स्टेशन स्किप हो जाए उसके बाद। तो मैं बढ़ा देता हूँ, चलो आई थिंक अब आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। चलो फुल कर देता हूँ, चलो अब आई थिंक आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी। यहाँ पे देखते हैं तो पीछे उजाला हो गया है, आप देख सकते हो कि पीछे हमारी पूरी ट्रेन उजाला हो गया है। अब तो सूरज देवता भी उस तरफ से बाहर आ गए हैं। तो ये हमारी पूरी ट्रेन विथ WP7 लोकोमोटिव, तो बहुत ही अच्छी स्पीड तो अभी हमने मेंटेन कर रखी है। तो यहाँ पे और एक स्टेशन को हम स्किप मारने वाले हैं, देखते हैं कौन सा स्टेशन है जिसे हम स्किप मारने वाले हैं। गांधी स्मृति स्टेशन जिसे हम स्किप मार रहे हैं। और ये यहाँ पे गांधी स्मृति भी है, आप देख सकते हो कि गांधी स्मृति स्टेशन है जिसे हम स्किप मार रहे हैं। और ऑपोजिट लाइन के सिग्नल है ड्यू येलो, तो कोई ना कोई ट्रेन हमें अप्रोच कर ही रही होगी। तो गांधी स्मृति स्टेशन को हमने बहुत ही बढ़िया स्पीड में स्किप मारा। और यहाँ से वलसाड़ है 37 किलोमीटर लेफ्ट, 6:26 हो गए हैं, यानी कि होने को थोड़ी देर में 6:26। तो 20 मिनट में हमें 36 किलोमीटर कवर करने हैं, तो हो ही जाएंगे, 20 नहीं 21 मिनट तो हो ही जाएंगे। वीडियो बन चुकी है 23 मिनट की, 23 मिनट की वीडियो यहाँ पे खतरनाक वाली। तो ये जो एक्टिविटी है उसके पार्ट में ज़्यादा लंबे नहीं रखूँगा मैं, तकरीबन ये एक्टिविटी के पार्ट 30 मिनट के अराउंड ही बनाऊँगा, उससे ऊपर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आपको लंबी वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पीसी में, क्योंकि अभी थोड़ा स्टोरेज का भी इश्यू हो गया मेरे पीसी में। तो जब तक ये फिक्स नहीं होता तब तक मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा, 30 मिनट के अंदर बनाऊंगा या 30 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही बना सकूंगा, उससे ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि थोड़ा स्टोरेज का भी इशू हो गया है मेरे पीसी में। तो स्टोरेज अपग्रेड करने के बाद हम देखेंगे, लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगर हम बना सकते हैं तो। बहुत ही बढ़िया घर लग रहे थे खेत में। वन की हमारी प्रोजेक्टेड स्पीड हो चुकी है। और यहाँ वलसाड़ की तरफ हमारी ट्रेन खतरनाक वाली स्पीड में बढ़ रही है। तब तो हम 120 के करीब ही स्पीड मेंटेन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें अगर मेंटेन करते हैं तो भी हम वलसाड़
आराम से पहुंच जाएंगे ऑन टाइम अगर हम ये हिसाब लगाए तो। और वड़ेच्छा स्टेशन है, वेड़छा स्टेशन को हम स्किप मार रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्पीड में, और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, विरार भरूच एमएसटी एक्सप्रेस, तो विरार से चलकर भरूच जाने वाली एमएसटी एक्सप्रेस जो आई थिंक पास होल्डर के लिए होती है, चलाई जाती है एमएसटी एक्सप्रेस, वो हमें क्रॉस दे रही है वड़ेच्छा स्टेशन पे। तो बहुत ही ये सीनरी आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया प्लेस की हुई, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, तो उसकी वजह से हमारे जो FPS भी है वो 60 के अबो चल रहे हैं। जो आप FPS देख रहे हैं कि हमारे 60 के अबो है, वो ये इसी वजह से है कि जो सीनरी है उतनी ज़्यादा लगाई नहीं है, यानी कि मीडियम है और बहुत ही अच्छी लग रही है। इतनी अगर सीनरी हो तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा सीनरी करेंगे भी क्या हम, अगर सीनरी ज़्यादा होगी तो हमें क्या है कि FPS भी कम मिलेंगे। और WG9 के साथ क्वानकोर हमें क्रॉस दे रही है, बहुत ही स्लो जा रहा है WG9, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो वो MST एक्सप्रेस आगे गई है और वहाँ वड़ेच्छा स्टेशन पे आई थिंक उसको स्टॉप भी लेना होगा, उसकी वजह से इसे सिग्नल नहीं मिला होगा ये WG9 के साथ क्वानकोर को। और आगे हम फिर से कोई स्टेशन को स्किप मार रहे हैं, पंचेली स्टेशन है जिसे हम स्किप मार रहे हैं, और काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो अंचेली स्टेशन पे। तो 27 मिनट की वीडियो, अब तो रैम मैंने अपग्रेड कर लिया, अब स्टोरेज का कुछ करना पड़ेगा, लंबी वीडियो बनानी है तो 16 GB की मैंने 2 रैम स्टिक लगा दी है, उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो गया होगा PC का। और सामने से पुणे ग्वालियर एक्सप्रेस विथ WAP 4 लोकोमोटिव, पुणे ग्वालियर एक्सप्रेस विथ WAP 4 लोकोमोटिव, तो बहुत ही बढ़िया स्पीड में हमें क्रॉस दे रही है पुणे ग्वालियर एक्सप्रेस विथ WAP 4 लोकोमोटिव। बहुत ही स्लो है क्योंकि उसके आगे आगे कोई क्रूज ट्रेन ने हमको क्रॉस दिया था, तो वो भी चल रही होगी इसके आगे आगे, तो काफ़ी सारा ट्रैफिक हमारे ऑपोजिट लाइन की यानी कि ऑपोजिट लाइन पे चल रहा है। और 25.3 किलोमीटर लेफ्ट है यहाँ से वलसाड स्टेशन, और स्पीड भी हमने अच्छी मेंटेन कर रखी है अपनी, और 130 के करीब तो हमें जाने की जरूरत नहीं, 120 to 125 तक ही हम अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे, हमें खामखा 130 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो अभी हम मेंटेन करेंगे 120 से लेकर 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और ये अमलसार स्टेशन को हम स्किप मार रहे हैं, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे अमलसार स्टेशन को स्किप मारा, और कोई ट्रेन को भी ओवरटेक कर रहे हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन है जिसे हम ओवरटेक करें अमलसार स्टेशन पे। यह है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस को हम ओवरटेक कर रहे हैं अमलसार स्टेशन से, यानी कि अमलसार स्टेशन पे, ये भी 7 लोकोमोटिव के साथ है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस, तो बहुत ही बढ़िया ओवरटेक किया हमने फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस का। तो ये भी ट्रेन आपको अगर पता हो तो अपने सूरत से लेके मुंबई के बीच में चलती है फ्लाइंग रानी, बहुत ही फेमस ट्रेन है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस।
चलो आज के लिए बस यही तो हमारी एक्टिविटी रहेगी, आगे की मैं जर्नी नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये पैक 9 के साथ पेटीकैन हमें क्रॉस दे रही है, तो ये क्रॉसिंग के बाद मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।